एक और, कमलनाथ सरकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का दावा कर रही है। वहीं शासकीय स्कूलों में शिक्षक अपनी मनमर्जी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नीमच जिले के रातड़िया में देखने को मिला, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक टेबल के ऊपर पैर रखकर आराम फरमाते हुए बच्चों को शिक्षा देने का दिखावा करते नजर आए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह स्कूल नीमच जिले के रताड़िया स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय है। खबरबार न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वे आप खुद ही देख सकते हैं। यहां पर एक शिक्षक महोदय टेबल के ऊपर पैर रख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आराम फरमाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक ने जब खबरबार न्यूज के कैमरे को देखा तो झट से अपने पैर नीचे करने लगा। वहीं जब शिक्षक से इस बारे में पूछा गया तो क्या कहना है उनका, आप भी सुन लीजिए। टेबल के ऊपर कैसे बैठे? कैसे बैठे? सीधा तो बैठा था। अच्छे बैठे थे? कैसे पढ़ाते आप रोज बच्चों? नहीं ऐसे नहीं पढ़ाते ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं बैठते ना, कभी ऐसे बैठते नहीं। अरे अभी थोड़ा ये हो रहा सर्दी इसलिए बैठेंगे, नहीं तो रोज थोड़ी बैठ रहे। रताड़िया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया तो यहाँ और भी कोई खामियां सामने आई। स्कूल के कक्षों में सीमेंट और टाइल्स रखी हुई है और बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है। वहीं जब जिम्मेदार से इस मामले में सवाल किया गया तो वे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम जांच करवाते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। शिक्षक को अपनी गरिमा में रहना चाहिए और उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत उसे करना चाहिए और हम शीघ्र ही आपकी इस बात का निराकरण करने की पूरी कोशिश करें। गौरतलब है कि शासन चाहे कितने भी दावे करे लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें सामने आती है वो इन दावों की पोल खोल देती है। नीमच से खबरबार न्यूज के लिए चिराग फगवार की रिपोर्ट।